हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और उम्मीद करता आप लोग सब अच्छे से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ईद उल अज़हा मुबारक आप लोगों को। आज ही है ईद का दिन और आज का दिन थोड़ा रेस्ट में गया, थोड़ा नींद आ रही थी, थोड़ा थकान भी थी, बहुत गर्म था। तो अब हम आए हैं यहाँ पर म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन में। तो ये देखो, पहला एंट्री लेते ही यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ऐसा इंक्लाइन दिया हुआ है। और ये देखो, इसको यहाँ से देखोगे तो ऐसा दिखता है और इधर जाओगे तो ये दिखाई देता है। आपको शायद दिख रहा नहीं होगा बराबर से। सेम गोज़ टू दिस। यहाँ पर भी चचा यहाँ पे दिख रहे हैं ओल्ड टाइमर, कुछ ऐसा दिखता है। देखो ये है यहाँ पर बच्चा शेर का कब, और यहाँ पर रोर करते हुए दिख रहा है। ये क्या आइटम है यार? अच्छा, इसको तो ज्वाइन करने वाला है। ये एक स्टार पजल है, इसको भी ज्वाइन करने वाला है। अभी कैसा ज्वाइन करते हैं यार, ये मुझे नहीं आता है। एक और चीज़ आपको नहीं पता है कि टिकट इसकी है 80 दिरहम ईच, और अगर 5 लोग आएंगे तो उसको पड़ेगी 64 दिरहम ईच की पड़ेगी। तो वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। 5 लोगों को लेके आ जाना फैमिली या फ्रेंड्स में, तो वो सस्ता पड़ेगा। नहीं तो ईच 80 दिरहम की टिकट है। ये देखो ऐसा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर बंदी रखेगा, ऐसा लगेगा कि इसका पार्ट ही नहीं है बॉडी का। ये वाला जो है, इसमें यहाँ पर ऐसे बैठना है जैसे बच्ची बैठी है, और यहाँ पर ना खड़े रहेगा एक बंदा स्टैंड, और यहाँ से फ़ोटो लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से फ़ोटो दिखती है। आप देखो ऐसा लगेगा, ये तो मैं बैठा हूँ मेरे भाई के सामने, ऐसा लगेगा कि ना वो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ। तो ये भी एक यूनिक चीज़ है, राइट। इसमें मैं जान रहा हूँ, ये यहाँ से गोल घूम के इसमें से आपको ऐसा लगेगा कि ये बॉडी पार्ट मेरी नहीं है, सिर्फ मेरा हेड दिख रहा। तो अभी मैं वॉच करूँ, अभी यहाँ से घुसता हूँ मैं, तय खाने में जा रहा हूँ। अरे बाप रे, क्या उठू मेरे आका, होटल है ना मेरी यार। ये क्या आइटम है? अरे भाई, अरे बाप, ये तो चक्कर आ रहा है यार। घुमा रहा है यार हम लोगों को। चक्कर आ रहा है यार। चल भागो भागो भागो, स्क्रीन में स्क्रीन में। ये तो बड़ा स्कैरी लगा है। ओए घूम रहा है, मत आना ही नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है, घूम रहा है। देखो डोर के साथ में ऐसा लग रहा है घूम रहा है यार पूरा। मेरी आई अरे भूत लग रहा है यार। ओह शिट, मिरर पे भूत लग रहा हूँ। यार क्या स्कैरी वाला था यार ये। मतलब एक्चुअल में घूम नहीं रहा था वो स्टेबल था एक जगह, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मूव हो रहा है, घूम रहा है। तो बहुत डेंजर लगा यार। स्कैरी था ना। कलर रूम देयर आर टू डिफरेंट अदर इल्यूजन है। अच्छा, एम्प्टी कलर रूम, ओके ऐसा है। ओके तो ये ऐसा आता है। ओह नाइस, हाँ अच्छा है। अच्छा कलरफुल है यार, मस्त लग रहा है। पूरा बॉडी अलग अलग दिख रही है, बैकग्राउंड में देखो बड़ा रेनबो और रेनबो चल रहा है। वाह, ये बोलता है इंफिनिटी टनल, इंफिनिटी मिरर सेट टू मिरर। ओके, ये टनल यहाँ से ऐसा गोल घुसते हुए आपको इस तरफ से दिखेगा यहाँ पर आते हुए, और सेम गोज फ्रॉम हियर टिल हियर, ऐसा दिया हुआ है। ये बोलता है कि ना, ये जो भी कलर लिखा हुआ है ना, येलो एक्चुअल में है ग्रीन कलर, तो ये ब्लैक कलर है वो येलो कलर में, तो उसको आपको एग्जैक्टली जो कलर है उसी में पढ़ना है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रीडिंग करना। तो ग्रीन, येलो, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ग्रीन ये कंसंट्रेशन के साथ में आपको पढ़ना, मैंने मिस्टेक कर दी है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और यहाँ पर ये दूसरा वाला भी है, इसमें आपको कंसंट्रेशन करना है, कि फोकस करना है, आपका ये माइंड जो है ना वो रीड करता है, वर्ल करता है। तो ये भी एक दूसरे टाइप का है, उसको भी आपको फोकस मार के देखना है कि उसमें है क्या। ये कहता है इम्पॉसिबल ट्रायंगल है, और इसमें आपको यहाँ पर आना है और पोज देकर आपको फ़ोटो खींचना है अप साइड डाउन, तो आपकी फ़ोटो ऐसी आएगी। इसमें करना क्या है, आपको अप साइड डाउन जैसे यहाँ पे हाथ रख के या यहाँ पर हाथ रख के आपको फ़ोटो लेना, और उसके बाद में ना एडिट करके ना उसको फ्लिप कर देना, तो आपका ये जो पोजीशन है ना ये ऐसा आएगा, बुर्ज खलीफा वाला। तो ये भी अलग यूनिक है, मैं फ़ोटो लेता हूँ। अच्छा, इसको ऐसा एडिट करके इसको फ्लिप करना है फोटो को, यहाँ से फ्लिप, ये वाले नीचे से यहाँ से। तो ये है वो फोटो, अभी इसको फ्लिप करने के बाद में दिख रहा है कि मैं उल्टा खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, हाथ बेंच के ऊपर रख के। ये वाला है कि आप ना दो जन आमने सामने खड़े रहो, और उसके बाद में ना ये नोज आपका डिफरेंट मैच होएगा फोटो में, जैसे आप इमेज देख सकते हो, यहाँ पे एक खड़ा रहेगा और यहाँ पे खड़ा रहेगा, ये आप देख सकते हो। तो मैंने अभी एक फोटो की यूनिक फोटो आई है यार वाली, देखो आप ये वाली। और ये वाला जो है ना ये टिल्टेड रूम है, ये देखो इसमें ऐसे दिखेंगे। चलो लेट्स गो। जब बोला ना कि ये क्या है, ये क्या कर रहा है, फिर चल अबे पास चल यार क्या मजेदार रूम था, अरे टिल्टेड वाला, ऐसा लग रहा है कि ना हम लोग कोई इंक्लाइन चल रहा है, उसके अंदर ना ऐसा फ्लैट होके गिर रहे हैं हम लोग, ऐसे हो रहे थे हम लोग, मजेदार था। चलो ये रूम में चलते, यहाँ पर छोटा बड़ा अपसाइड डाउन दिखेगा। तो अच्छा ये, अच्छा इसमें ना अलग कुछ दिया हुआ है, इसमें छोटा दिखेगा, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है वो छोटा, और यहाँ पे आप समझ में आया, यहाँ पे एक खड़ा है ना वो शॉर्ट दिखेगा। ओ ओके ऐसा यहाँ पे स्क्रीन में दिखता है ना वो, ऐसा है। और अब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत शॉर्ट हूँ और ये बहुत हाइटेड है, बौना लग रहा है यार। ये तो चाचा आइंस्टाइन लग रहा है यार। हाँ अच्छा, ये मुंडी हिलाएंगे हम तो, ये देखो ऐसा शेक होता है, देखो अब मैं ऐसे कैमरे हिला रहा हूँ, देखो ये हिल रहा है। ये वाला जो एक सेक्शन दिया हुआ है, इसमें कहते हैं कि यहाँ पर खड़े होके आपको यहाँ से फोटो लेना है, एक बंदा वहाँ पर रहेगा और फ्लैश लेके लेना है, तो आपकी फोटो कुछ अलग तरीके से आएगी। ये बच्ची को देख लो, यहाँ पे खड़ी है, अगर मैं फोटो लूंगा तो यहाँ पर ऐसे जूम होके सारे ग्लासेस में आएगी। भाई मैं इधर ये अल सीफ में म्यूजियम ऑफ इल्यूजन में आया हुआ था, अभी देखो इन लोगों ने बंद कर दिया हुआ है शार्प 11 बजे। बेसिकली क्या हुआ, इधर हम लोग आए 10:15 को, और वो जो कैश काउंटर पे बंदी थी ना, वो लड़की ने बोली कि ना ठीक है तुम कैश दे दो, 80 दिरहम लगेगा, और हमने पे करके एंट्री ले ली, लेकिन ये नहीं बताई कि वो 11 बजे बंद होगा और तुम लोगों को अंदर एक एक पज़ल में टाइम लगने वाला है। तो जब अंदर गए हम लोग तो हर एक पज़ल में तो टाइम लगने ही वाला, लास्ट वाला गेम था उसमें इन लोगों ने हमें रोक दिया और बोला कि 11 बज गए और अभी तुम चले जाओ करके। तो अभी हम बाहर आ गए, और उसके बाद में फिर ये तो पूरा पैसा वेस्ट हो गया यार, 80 रुपये पूरे, यानी 80 दिरहम होते हैं वो तो पूरे बेकार ही गए, पैसा बर्बाद पहन। तो 320 हम लोगों ने 4 बंदे का पे किया 80 ईच, तो ये तो पूरा बेकार ही गया। और मैं यहाँ के रिव्यू बहुत बैड देने वाला हूँ, क्योंकि लोग इतने थोड़े बिहेवियर सही नहीं था और थोड़ा रूड बिहेव कर रहे थे। जो कैश काउंटर पे बंदी लोग थे, हम लोगों ने पूछा कि यार तुमको बताना चाहिए था कि हर एक पजल में इतना टाइम लगने वाला, तो कहती है कि नहीं तुम लोगों को जल्दी आना चाहिए था। तो ये पहले कहना चाहिए था कि भाई तुम लोगों को जल्दी आना चाहिए था और अभी क्लोज़ होने वाला है, तो प्लीज़ अभी नहीं आए कल आए, ऐसा कहना था। लेकिन इन लोगों ने कुछ बताया नहीं, और हम लोग 45 मिनट्स भी हार्डली नहीं थे। और ये जो भी आपने आपको मैंने वीडियो बताया, तो वो उतने से में भी ये कवर नहीं हो पाया एग्जैक्टली तो ये मेरे तरफ से एक बैड रिव्यू है और मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आकर यहाँ पे 80 दिरहम दे जो पूरा फुल ऑन वेस्ट है। उससे अच्छा कि दुबई मॉल में कहीं हॉन्टेड हाउस या कहीं और चले जाओ, पेंट बॉल चले जाओ, लास्ट एग्जिट में कहीं भी जाओ। लेकिन ये तो बहुत बेकार था। अभी मेरे जो भाई बहन इन लोग तो फुल ऑन एंग्री हो गए। ये देखो इन लोगों ने शार्प 11 o'clock को बंद करके दोनों बंदी लोग चले भी गए। सो आई एम रियली अपसेट और ये पैसे पूरे वेस्ट हो गए मेरे, जो बहुत सैड हो यार। तो इसको तो मैं यहाँ तक ही रखूँगा, कुछ मतलब नहीं रहा इस वीडियो का। तो आप खाली देख लिए हो तो आपको जो अगर सही लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपने अगर विज़िट किया है नहीं किया है, तो आपका कैसा रिव्यू और आपका कैसा यहाँ का एक्सपीरियंस था। तो उम्मीद करता आप लोगों को ये एक शॉर्ट वीडियो पसंद आई रहेगी। तो मिलते हैं कोई अच्छे वीडियो में। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल बी बैक अगेन विद मोर वीडियोज़ लाइक दिस। फॉर द टाइमिंग बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। और रखता हूँ, बाय बाय।